लाला के प्रथम जन्मोत्सव का आनंद बरस रहा है। गोपियां भाव में डूब के लाला के सुंदर स्वरूप को देख के बलिहारी जा रही है। कोई चौक रंगोली डालती है, कोई आंगन लीपती है, कोई बंधन बारे बांधती है, कोई मंगल कलश जलाती है, कोई भोजन पकाती है, कोई ब्राह्मणों को बुलाती है, कोई कन्या भोजन कराती है, कोई ब्राह्मण भोज कराती है। 1 लाख गायों का दान नंद बाबा ने लाला के प्रथम जन्मोत्सव में दिया है। खूब आनंद बरस रहा है नंद भवन में। लाला का प्रथम जन्मोत्सव है, प्रथम जन्मदिन है। और इतने सुंदर समय में प्रभु का जब प्रथम जन्मोत्सव है तो कंस ने सकटासुर को भेज दिया। पूतना आई जब ठाकुर जी का छठी का उत्सव था, मतलब जब ठाकुर 6 दिन के हुए तब पूतना आ गई, और आज जब ठाकुर 1 बरस के हुए तो कंस ने भेज दिया सकटासुर को। अब भगवान का जन्मोत्सव है तो घर पे खूब भीड़ भाड़ है। मैया ने लाला का खूब अभिषेक कराया, स्नान कराया है, सुंदर सुंदर कपड़े लाला को पहना करके पालने में लाला को लिटा दिया। अब मैया सोच रही हैं, यदि लाला ऐसे ही लेटा रहेगा तो ये गोपियां तो सोने नहीं देंगी लाला को, कोई यहां से आएगी कोई वहां से आएगी, कोई चूमेगी कोई गोद में उठाएगी कोई बाहर ले जाएगी, मेरा लाला परेशान हो जाएगा। तो थपकियां दे करके पालने में लिटाया और पालना रख दिया मैया ने छकड़े के नीचे। अब छकड़ा क्या है? छकड़ा का मतलब होता है बैलगाड़ी जैसा होता है, बैलगाड़ी नहीं होती, बैलगाड़ी तो हम सब ने देखी है, बैलगाड़ी की तरह होता है उसको कहते हैं छकड़ा। उस छकड़े के ऊपर खूब बड़े बड़े बर्तन रखे हैं दूध दही से माखन मिश्री से भरे हुए, और छकड़े के नीचे लाला के पालने को मैया ने रख दिया। और उसी दिन सकटासुर आया और आकर के जब उसने देखा, अदृश्य रूप में आया है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सोच रहा है सकटासुर कि बस थोड़ा सा वजन बढ़ाऊंगा और वजन बढ़ा करके इस पालने के ऊपर बैठूंगा, पालना कृष्ण के ऊपर गिरेगा और कृष्ण दब करके मर जाएगा। वो ये सोच रहा था, भगवान ने करना प्रारंभ किया, भगवान ने अपने हाथ पैर चलाना प्रारंभ किए, हाथ पैर चलाते 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 1 लात ठाकुर जी ने जब छकड़े में मारी तो छकड़ा पलट गया और उसका जितना दूध दही माखन था सब यहां वहां बिखर गया। छकड़ा पलट गया और सकटासुर मारा गया, कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम था सकटासुर। भगवान ने अपने प्रथम जन्म दिवस के दिन सकटासुर का वध किया, सकटासुर की मुक्ति हो गई, उसे भी मोक्ष दे दिया भगवान ने, प्रभु की कृपा उसे प्राप्त हुई। देखो सकटासुर एक राक्षस है, लेकिन यदि सकटासुर के विषय में हम थोड़ी गहराई से चिंतन करें तो सकटासुर मतलब संकट रूपी असुर, जो हम सबके जीवन में आता है आपत्ति के विपत्ति के परेशानियों के रूप में, कभी दैहिक ताप कभी दैविक ताप कभी भौतिक ताप के रूप में सबके जीवन में ये सकटासुर मतलब परेशानियां आती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि चारों तरफ से, इस तरफ से इस तरफ से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से परेशानियां आती, हम परेशानियों से घिर जाते हैं, सकटासुर इतना आक्रमण कर देता है, संकट रूपी असुर। जब सकटासुर का आक्रमण जीवन में बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस कृष्ण नाम संकीर्तन की गति बढ़ा देना, माला के जाप की संख्या को बढ़ा देना,
जीवन में आने वाला सकटा सुर अपने आप मारा जाएगा, मतलब आपत्ति विपत्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस सकटा सुर, भगवान ने उसका वध किया, सकटा सुर मारा गया। कुछ दिन व्यतीत हुए और कंस ने फिर एक और राक्षस को भेजा। तब एक बार जय श्री कृष्णा तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव मनाया गया, प्रथम जन्मदिन मनाया गया। उस दिन सकटासुर आया है। समय बीता, समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ, समय बीतता गया, उस समय कंस ने एक और राक्षस को भेजा। जिसका नाम है तृणावर्त। एक दिन की बात है, मैया यशोदा लल्ला को गोद में लेके आंगन में बैठी थी और उसी दिन खूब आंधी चली, खूब तूफान आया, बवंडर वो आता है ना, गोल 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 गोल, गर्मियों में ज्यादा हम देखते हैं, बवंडर कहते हैं उसको। तूफान आ गया, आंधी चलने लगी, खूब धूल उड़ने लगी। मैया लाला को गोद में लेके बैठी थी और फिर मैया ने देखा इतनी आंधी, तो लल्ला को उठा के पालने में लिटा दिया और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। भगवान शांति के साथ पालने में लेटे थे, लेकिन आज इस दुष्ट ने आकर के दुष्टता कर दी। दुष्टता कैसी? तृणावर्त आया। तृणावर्त हसांतरयो वात्यारूप धरो हरन, कृष्णम न भोगतो गन्तुम न सकनोद भूरी भार व्रत। भगवान कृष्ण शांति और आनंद के साथ पालने में लेट करके आनंद विभोर, आनंद में डूबे हैं। खूब आनंद उत्साह उमंग है वृंदावन में, जय जयकार है। लेकिन इस दुष्ट ने आकर के दुष्टता की, भगवान को पालने से उठाया, उठा करके आकाश में ले गया और ले जा करके सोच रहा है मैं आकाश से कृष्ण को नीचे पृथ्वी पर फेंक दूंगा, कृष्ण मारा जाएगा। पर भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और जब वजन बढ़ाया तो तृणावर्त को लगा कि मैं मेरे हाथ में किसी बालक को नहीं, किसी पहाड़ को लिए हूं। और वजन के कारण उसने भगवान को छोड़ दिया। और जब उसने भगवान को छोड़ा तो भगवान का एक कथन है, कथन मतलब एक कहना है। कहना क्या है? भगवान अपने भक्तों से कहते हैं, ध्यान से सुनो, एक बार जो मुझे पकड़ता है वो तो किसी ना किसी कारण से मुझे छोड़ देता है। एक बार जो मुझे पकड़ता है वो किसी न किसी कारण से मुझे छोड़ देता है, लेकिन मैं उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं उसका कल्याण नहीं कर देता। और भगवान ने क्या किया? गले ग्रहीत उत्सृष्टुम न सकनोत अद्भुतार्भकम। और भगवान कृष्ण ने तृणावर्त का गला दबा दिया और तृणावर्त भी मारा गया। मारा तो गया पर परम पद की उसे भी प्राप्ति हो गई। भगवान ने तृणावर्त को मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दिया। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त, मारा गया। अब कुछ दिन और वृंदावन में व्यतीत हुए।